इस सभा में उपस्थित सभी माताओं बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उसके बाद बीच में नहीं आ सका तो मेरे भी मन में था कि एक बार फिर से जाना है, तो ये सारे संयोग एक साथ बन गए। ईश्वर की कोई कृपा हो गई, उनकी कोई योजना है जिसके तहत मैं यहां आ गया आपसे बात करने के लिए, संवाद करने के लिए। आप सभी को भारत स्वाभिमान के बारे में पता है, फिर भी रेखांकित करने के लिए दो तीन बातें कहना चाहता हूं। अपने देश में भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू किया है। आने वाले लगभग 5-6 महीनों के बाद करीब 11 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इस अभियान के सदस्य बनेंगे, ऐसा विश्वास है, ऐसी योजना भी चल रही है। और 5 करोड़ से ज्यादा परोक्ष सहयोगी इस अभियान में हमारी ताकत बनेंगे, हमारे हाथ बनेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। सारे देश में एक बड़ा संगठन खड़ा करके इस भारत स्वाभिमान अभियान को हम सफल बनाना चाहते हैं। भारत स्वाभिमान का जो अभियान हमने शुरू किया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या, क्या कारण से हम ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आजादी मिलने के 62 साल के बाद भारत स्वाभिमान जैसी बात करने की जरूरत क्या है, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के इस व्याख्यान में देने की कोशिश करूंगा। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोगी रहें, उनके जीवन में सुख हो, उनके जीवन में सदा निरोगता रहे, इसके लिए ये अभियान चल पड़ा है। अब इस अभियान के साथ साथ स्वामी जी ने भारत स्वाभिमान का भी अभियान शुरू कर दिया है। तो पहला अभियान जो निरोगी रखने के लिए, स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए है, वो सभी नागरिकों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए है। दूसरा अभियान जो है वो देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भारत स्वाभिमान का है। अपने देश का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, अपने देश की समस्याओं का समाधान हो, अपने देश की व्यवस्थाओं में बदलाव हो, अपने देश की सारी छोटी से लेकर बड़ी व्यवस्थाएं जो इस देश के आम आदमी के लिए काम करती हैं, वो बेहतर से बेहतर होती जाएं। भारत में जो कुछ अच्छा है वो और आगे बढ़े और जो खराब है वो समाप्त हो जाए। हमारे देश में पिछले 250-300 साल की गुलामी जो अंग्रेजों की आई, उसमें बहुत सारी खराबियां आ गई हैं, और पिछले 1000 साल के जो विदेशी हमले हुए अपने देश पर, उनके कारण हम में कुछ खराबियां आ गई हैं। तो जो खराबियां हम में आई हैं वो दूर हो जाएं और हमारी जो अच्छाइयां हैं, हमारी जो बेहतरी है, वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और सारे देश को उसका लाभ मिले, दुनिया को भी उसके बारे में जानकारी हो, इस दृष्टि से ये भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू किया गया है। इस भारत स्वाभिमान के कुछ उद्देश्य हैं, उनमें से एक उद्देश्य है हमारे देश का जो आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार है, इसको समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य है हमारे देश की जो कर व्यवस्था है, जो टैक्सेशन का सिस्टम है, इसको पूरी तरह से बदलना। तीसरा उद्देश्य है भारत की शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण रूप से स्वदेशीकरण करना, भारतीयकरण करना। चौथा उद्देश्य है हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, उसका संपूर्ण रूप से स्वदेशीकरण, भारतीयकरण करना। पांचवा उद्देश्य है हमारी अर्थव्यवस्था का स्वदेशीकरण करना, भारतीयकरण करना। छठा उद्देश्य है हमारे देश की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको जड़ मूल से नाश करना, जैसे शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, व्यसन के अधीन रखने वाली जो खराब बातें देश और समाज में फैली हैं, इनकी समाप्ति करना। सातवां उद्देश्य है भारत देश के पर्यावरण को और ज्यादा बेहतर बनाना। आठवां उद्देश्य है इस देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की जो परिस्थिति बन गई है, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना। और नवा उद्देश्य है हमारे देश की जनसंख्या को नियंत्रित कर पाना। ये 9 उद्देश्यों के लिए भारत स्वाभिमान बना है, इन्हीं की पूर्ति के लिए हम ये काम करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा
कि अगर हम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना चाहते हैं तो आजादी के 62 साल में क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है। हम लोग अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, आप भी थोड़ा बहुत देश के बारे में जानने और समझने का मादा रखते हैं, काफी कुछ आप देश के बारे में पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं। हमारा अध्ययन और आपकी समझ दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ऐसा लगता है कि आजादी के 62 साल के बाद भी हम उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जिन उद्देश्यों के लिए आजादी लाई है वो उद्देश्य अभी भी अधूरे हैं। अगर कुछ क्रांतिकारियों का नाम लेकर मैं बात करूं तो इस देश के सबसे महान क्रांतिकारियों में एक, सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले जो क्रांतिवीरों में जिनकी गिनती होती है, अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद ऊधम सिंह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद हमारे देश के ऐसे सचिंद्रनाथ सान्याल, अमर शहीद हमारे देश के बहुत बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित रामप्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद हमारे देश के अशफाक उल्ला, अमर शहीद अजीमुल्ला, ऐसे एक दो नहीं 7,32,000 शहीद जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, बलिदान किया, उनके सपने जो थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए। इन शहीदों के दस्तावेजों को पिछले कई वर्षों से मैं पढ़ता हूं तो देख के दुख होता है कि ये सारे शहीद चाहते थे कि भारत आजाद हो और आजादी के बाद भारत की एक भी समस्या का समाधान जो अंग्रेजों ने पैदा की है वो भारत की व्यवस्था समाधान करे। अंग्रेजों की पैदा की गई गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भुखमरी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, सामाजिक छुआछूत, ऊंच नीच आदि की सामाजिक हमारी समस्याएं, इन सब का समाधान हमारे शहीद चाहते थे। फांसी से 2 साल पहले भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। 1929 में जेल में रहते हुए उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था, क्योंकि बहुत लोग उनसे जेल में मिलने के लिए आते थे और वो उनसे यही कहते थे कि आप इस देश में क्या करना चाहते हैं वो लिखकर हमारे देश के लोगों को बताइए, क्योंकि जेल से बाहर तो जा नहीं सकते, व्याख्यान दे नहीं सकते, भाषण हो नहीं सकता। तो श्री भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उस घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो उसमें पहला ही बिंदु है, वो ये कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि आजादी मिलने के बाद इस देश में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अंग्रेजों की बनाई गई पूरी व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए। उस घोषणा पत्र में दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों की लूट करके जितना धन यहां से ले जाया है, ले गए हैं अंग्रेज यहां से, उस धन की किसी तरह से भारत में वापसी होनी चाहिए। तीसरा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत देश के गरीबों की गरीबी संपूर्ण समाप्त होनी चाहिए। चौथा बिंदु है बेरोजगारी इस देश से मिट जानी चाहिए। पांचवा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत के लोगों का सम्मान इतना होना चाहिए वो हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी हो, साधारण से साधारण आदमी हो, उनको भी इस देश में जिंदा रहने का उतना ही सम्मानजनक अधिकार मिले जो किसी करोड़पति को मिलता है। ऐसे उन्होंने करीब 28 से 29 बिंदु का घोषणा पत्र लिखा था। कुछ इसी तरह का घोषणा पत्र चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था, वो 1924 में बनाया था। 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उनका संगठन था हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, इसके उपाध्यक्ष थे मन्मथनाथ गुप्त, इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे चंद्रशेखर आजाद, और इसमें 14 और क्रांतिकारी शामिल थे। सचिंद्रनाथ लाहड़ी थे इसके, वो जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये संगठन का भी घोषणा पत्र 1924 में आया था। इसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत की आजादी और संपूर्ण स्वराज्य के लिए घोषणा पत्र तैयार किया था, वो 1894 में पूरे देश के सामने रखा गया था। थोड़े संशोधन के बाद 1905 में वो फिर देश के लोगों के सामने रखा गया था। उसमें उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया था कि जब तक स्वदेशी की स्थापना भारत में नहीं होगी, स्वराज्य नहीं आएगा। ये सारे नाम लेने के पीछे मेरा एक ही आशय है कि मैं आपके ध्यान में एक ही बात लाना चाहता हूं, वो ये कि भारत के सारे क्रांतिकारियों का कोई सपना था
देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, और उस सपने के लिए पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया। किसी ने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया तो किसी ने 16 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। खुदीराम बोस को जब फांसी हुई थी तो उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी और अंग्रेजी सरकार के कानून के खिलाफ उनको फांसी हुई थी। अंग्रेजों की सरकार का उस समय का कानून था कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन खुदीराम बोस को 16 साल की उम्र में ही फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेजों ने। तो खुदीराम बोस रहे हों जिनकी 16 साल की उम्र में फांसी हो, या शहीद भगत सिंह हों जिनकी 23 साल की उम्र में फांसी हो, या चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो 25-26 साल की उम्र में हुई, सभी क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का वो समय दांव पे लगाया जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है, सुवर्ण युग होता है, जवानी का समय होता है। अपनी पूरी जवानी को देश के लिए होम कर दिया, और ऐसे एक दो क्रांतिकारी नहीं थे, 7,32,000 थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी झलकारी बाई हो, कित्तूर चनम्मा हो, रानी दुर्गावती हो, किसी का भी नाम लेके आप देखेंगे, झांकने की कोशिश करेंगे उनके जीवन में, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में कोई सुख नहीं भोगा अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए। सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया इस देश के लिए, समाज के लिए, और उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत हम इस देश में आजाद हो पाए हैं। तो इन सारे के सारे क्रांतिकारियों ने कोई सपना देखा इस देश की आजादी के लिए। अब आजादी के 62 साल के बाद हम उस सपने का अगर मूल्यांकन करें तो बहुत दुख और अफसोस होता है कि आजादी के 62 साल के बाद भी किसी क्रांतिकारी का सपना पूरा नहीं हुआ। भगत सिंह का कहना था आजादी के बाद अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि आजादी के बाद गरीबी खत्म हो जाएगी, नहीं हुई। ऊधम सिंह कहा करते थे कि आजादी के बाद हर गरीब आदमी को सम्मान मिलेगा, नहीं मिल पाया। किसी भी क्रांतिकारी के जितने सपने उन्होंने देखे थे उसमें से किसी एक का भी हम मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या फिर इस देश में? अगर हम देखना चाहें तो क्रांतिकारियों के सपने अगर पूरे नहीं हुए तो इसका माने तो आजादी अधूरी है, पूरी नहीं है। अगर लोकमान्य तिलक स्वदेशी और स्वराज्य की बात किया करते थे तो भारत की आजादी के 62 साल के बाद ना तो इस देश में स्वदेशीपन है और ना ही स्वराज्य की स्थापना हुई है। अगर हमारे क्रांतिकारी पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे तो आजादी के बाद तो हमने कोई स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की है। स्वतंत्र अगर एक शब्द को ध्यान दें तो इसमें स्व है अपना, तंत्र माने सिस्टम, अपना तंत्र, अपना सिस्टम। आजादी के बाद स्वतंत्रता की बात जो समझने के लिए हम कहें तो हमने तो कोई अपना सिस्टम नहीं बनाया, हम तो अंग्रेजों के सिस्टम में ही सारा का सारा काम कर रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा। मैं जब इस देश की व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन और अभ्यास करता हूं तो इतना दुख होता है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखने के लिए जितने तरह के कानून बनाए, जितने तरह की नीतियां बनाई, वो सारे के सारे कानून, सारी की सारी नीतियां ज्यों की त्यों चल रही हैं, उनमें कोई कॉमा फुल स्टॉप का भी संशोधन नहीं हुआ। उदाहरण दूं आपको मैं, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखने के लिए 34,735 कानून बनाए। उनमें से एक कानून है जिसका नाम है आईपीसी, हम उसे कहते हैं इंडियन पीनल कोड। दूसरा कानून है सीपीसी, जिसको हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। तीसरा कानून है सीआरपीसी, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये तीनों ही कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं, इसमें कोई रद्दोबदल हमने नहीं किया है। इंडियन पीनल कोड जो है ना, वो तो नकल है आयरिश पीनल कोड का। अंग्रेजों के देश ब्रिटेन ने एक देश आयरलैंड को गुलाम बना के रखा हुआ है। आपको मालूम है इंग्लैंड के पास एक छोटा सा देश है, उसका नाम है आयरलैंड, वो स्वतंत्र देश है, लेकिन अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर उसको 1100 साल से अपने कब्जे में रखा हुआ है। आयरलैंड अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाया और आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए 1100 साल से अभियान चल रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा। आयरलैंड को गुलाम बनाकर रखने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, आयरिश पीनल कोड,
दुर्भाग्य से उसी की फोटोकॉपी है, इंडियन पीनल कोड। जब मैंने आयरिश पीनल कोड की कॉपी खरीदी और इंडियन पीनल कोड तो हमें मिल जाता है, दोनों को सामने रखकर अध्ययन करना शुरू किया तो एक भी कॉमा फुल स्टॉप हमारे यहां बदल नहीं है। बस अंतर इतना है कि आयरिश पीनल कोड में जहां आई का मतलब आयरलैंड है, इंडियन पीनल कोड में आई का मतलब इंडिया है। बस इतना ही अंतर है, कोई दूसरा अंतर नहीं। मैं आपको एक ऐसी बात कहने के लिए यहां आया, अंग्रेजों का एक अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था टीबी मैकॉले। उसने ये ड्राफ्ट किया आईपीसी, और इसकी ड्राफ्टिंग हुई सबसे पहले 1840 में, लागू हुआ 1860 में। ड्राफ्टिंग करते समय मैकॉले ने एक पत्र लिखा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स को, क्योंकि मैकॉले को वहीं से भेजा गया था। उस पत्र में वो लिख रहा है कि मैंने भारत की न्याय व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके लागू होने पर भारत के किसी आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। वो खुद लिख रहा है, और वो अपने ही पत्र में लिख रहा है कि इस कानून की जटिलताएं इतनी हैं कि हिंदुस्तान का साधारण आदमी तो इसको समझ ही नहीं सकेगा। और तीसरी बात वो लिखता है कि जिन भारतवासियों के न्याय के लिए ये बनाया गया है उन्हीं को ये कानून सबसे ज्यादा तकलीफ पैदा करेगा। चौथी बात वो लिखता है कि भारत की जो पुरानी न्याय व्यवस्था कुछ हुआ करती थी उसको ये संपूर्ण जड़ से खत्म कर देगा। और पांचवी बात वो कहता है कि जब भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तभी हमारा राज्य भारत पर मजबूती से स्थापित होगा। आईपीसी की ड्राफ्ट करने वाला मैकॉले ये कह रहा है, और उसकी बात आजादी के 62 साल के बाद हमें सच होती हुई दिखाई दे रही। आईपीसी पूरा का पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ ड्राफ्ट है जिसके आधार पर इस देश में न्याय व्यवस्था चल रही है। परिणाम जानते हैं क्या है? इस न्याय व्यवस्था में 3.5 से 4 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं अलग अलग अदालतों में, उनके फैसले नहीं हो पा रहे। 10 करोड़ से ज्यादा लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को न्याय की उम्मीद है लेकिन न्याय मिलने की दूर दूर तक कोई आशा नहीं है। कारण क्या है? आईपीसी का आधार ही ऐसा है कि वो न्याय नहीं दे सकता। और एक गहरी बात मैकॉले कहता है, वो ये कहता है कि ये कानून लागू होने के बाद भारतवासी ये अपेक्षा करेंगे कि उनको न्याय मिले। न्याय तो कहीं नहीं मिलेगा, उनके मुकदमों का फैसला होगा, न्याय नहीं मिलेगा। मुकदमे का निपटारा होना अलग बात है, केस का डिसीजन आना एक अलग बात है, केस का जजमेंट आना एक अलग बात है, और न्याय मिलना बिल्कुल अलग बात है। तो वो खुद ही कह रहा है कि इससे तो न्याय मिलेगा नहीं। अब इतनी साफ बात जिस मैकॉले ने आईपीसी के बारे में लिखी है, उस आईपीसी को हिंदुस्तान की संसद ने आजादी के 62 साल के बाद भी नहीं बदला, वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। यही हाल सीआरपीसी का है, यही हाल सीपीसी का है, यही हाल हिंदुस्तान के एक कानून का है जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। 1860 का बना हुआ ये कानून है। अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था भारतवासियों पर दमन और अत्याचार करने के लिए। आजादी के 62 साल के बाद भी वही हो रहा है, दमन और अत्याचार। इस कानून में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है, क्योंकि ये गुलामी के दौर का कानून है। इसमें हम कोई संशोधन नहीं कर पाए 62 साल के बाद। एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है जिसमें इतना ही संशोधन हुआ है कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट से होकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो गया है, बाकी उसमें कुछ बदला नहीं है। वैसे की वैसी धाराएं, वैसे के वैसे सारे बंद और उपबंद उस कानून के। एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, बड़ा अद्भुत कानून है। साधारण आदमी लकड़ी नहीं काट सकता, अगर काटे तो जेल हो जाए उसको। भारत का कोई साधारण आदमी गलती से जंगल में चला जाए और कुछ लकड़ी ले आए, क्या करने के लिए? चूल्हा जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। साधारण आदमी जंगल से लकड़ी लाकर अगर ये काम करे तो अपराध है, लेकिन कोई ठेकेदार इस देश में जंगल के जंगल साफ कर दे
कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में, जंगल के जंगल साफ कर। आपका जो मध्य प्रदेश है ना, इसके जबलपुर हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, मैं उस मुकदमे में एक तरह से हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति बना हुआ हूं। वो मुकदमा बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बूढ़ी महिला है, जबलपुर में रहती है, उसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुकदमा किया हुआ है। आरोप क्या है, उसने जंगल से लकड़ी चुराई। उस महिला को जब अदालत में पेश किया गया तो जज के सामने उसने एक ही सवाल पूछा जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। उस महिला ने यह कहा था कि मैंने लकड़ी चुराई रोटी बनाने के लिए, और रोटी बनाने के लिए अगर मैं लकड़ी ना जलाऊं तो क्या दोनों हाथ जलाऊं अपने चूल्हे में? किसी के पास जवाब नहीं। और हमने उसकी वकालत करते हुए कोर्ट के सामने कहा कि इस महिला ने दो लकड़ी चुराई है और चूल्हे में जलाई है और दो रोटी बनाई है, तो इसको जेल भेजने की आप तैयारी कर रहे हैं। यहां आईटीसी नाम की कंपनी हर साल 14 करोड़ पेड़ काट रही है, उसके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत आपके अदालत में भी नहीं है। क्यों? पैसे वाली कंपनी है, अमेरिका की कंपनी। तो कानून जो बने हुए हैं वो इस हिसाब से बने हुए हैं कि साधारण आदमी को आप जितनी प्रताड़ना दे सकते हैं, साधारण आदमी को जितना दुख दे सकते हैं दे दो, विशेष आदमी को आप छू भी नहीं सकते उस कानून की ताकत से। ऐसा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के समय के बनाए हुए कानूनों के आधार पर किसी भी भारतीयों को न्याय मिल नहीं सकता।